सो गाइस, स्वागत है तुम सभी का एक नए वीडियो में। अभी एक जगह मैंने गया हूँ, वहाँ पे बहुत ही प्रसिद्ध दुकान है इन लोगों की, और वो स्वीट बस, वो मिठाई बस सर्दियों के सीज़न में मिलती है। तो वीडियो पूरा देखना, और अगर आप लोगों ने मिठाई खाई हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना कैसी लगी। और एक बार इस शॉप में ज़रूर जाना, लोहा मंडी के इधर ये शॉप है, तुमको बहुत ही मज़ा आने वाला है। क्या होता है भैया? ये मक्खन का सत्ता रूज होता है। ये बस सर्दियों में मिलता है? सर्दियों में बनता है। ये अपना मक्खन का तरबूज हो गया दोस्तों। अब दूसरा दिखाओ। ये अपना मक्खन का समोसा। भैया अपना दुकान का एड्रेस बताओ। सरवंडर लोहा मंडी आगरा। अच्छा, मैं सुना है आपके यहाँ पे सबसे प्रसिद्ध दुकान है। आप देसी घी के समोसे कचौड़ी भी बनाते हैं? कचौड़ी देते हैं। ये देख सकते हो गाइस, कभी आओ तो इनके यहाँ से जरूर खाना। लोहा मंडी में इन्हीं के सिक्का बोलता है। ये हलवा भी है? हलवा भी देते हैं। अच्छा, सब आपका मतलब देसी घी का ही बनता है। ये देख सकते हो तुम लोग दोस्तों, यहाँ पे आके खा सकते हो ये। तो गाइस, ये मिठाई को हम लोग मक्खन समोसा बोलते हैं, मक्खन तरबूज बोलते हैं। मक्खन से बनी रहती है, प्योर मक्खन से। और मक्खन तरबूज में क्या रहता है, छेना रहता है, मक्खन की लेयरिंग रहती है। और मक्खन समोसे में मक्खन की लेयरिंग रहती है और अपना खोया रहता है। और सर्दियों में ये सर्वाइव कर पाती है, वरना मक्खन अपना घुल जाता है। इसलिए ये लोग इनको पैक भी कर देते हैं। पैक करने के लिए थैली के अंदर ये लोग बर्फ़ और उसका पानी डाल देते हैं, ताकि वो बने रहे, टेम्परेचर उसका पिघले ना। और बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, एक बार आओ यहाँ पे तो ज़रूर ट्राई करना। सर्दियों में ये मिलती है, लोहा मंडी में ये दुकान है, बहुत ही फेमस है, बहुत ही ट्रस्टेड दुकान है। कोई मिलावट नहीं होती यहाँ पे, सब देसी घी का व्यापार करते हैं, देसी घी के अंदर सब कुछ बनाते हैं। मैंने और भी चीज़ खाई है, बहुत टाइम से सोच रहा था सर्दियों में आऊँ इधर तो ये खाऊँ। और अगर तुम लोगों ने भी दोस्तों ये खाया हो तो ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बहुत अच्छा लगेगा मेरे को। और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार। चलो अगले वीडियो में मिलते हैं।